हेलो गाइस, मेरा नाम है अवान रसूल और सुशांत सिंह के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जी हाँ, धोनी वाले एक्टर किसको पसंद नहीं है, आपको भी है और मेरे तो फेवरेट हैं ही। और हाल ही फिलहाल में अगर उनकी मूवी आ जाए ये तो सोने पे सुहागा ही होगा। जी हाँ, उनकी एक नई मूवी आ रही है, 6 सितंबर को रिलीज होगी, नाम है छिछोरे। नाम जैसा पर मूवी वैसी नहीं है, आई थिंक सो। पर ये तो ट्रेलर देखने के बाद ही पता चलेगा। ट्रेलर आ चुका है और आज की वीडियो है उसी ट्रेलर के नाम। ज़्यादा बातें नहीं कर सकते इसके बारे में क्योंकि मुझे पता नहीं है इसके बारे में ज़्यादा कुछ। बस इतना पता है कि इसे डायरेक्ट किया है दंगल मूवी के डायरेक्टर ने, तो मूवी कितनी अच्छी होगी वो तो आपको पता चल ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेलर और देखते हैं क्या है मूवी के अंदर। पता नहीं क्या जादू है कॉलेज लाइफ में। ओके, कॉलेज वाले मूवी है जहां अनजाने मिलते हैं और दोस्त पहचाना उसे चूचा। वरुण शर्मा नाम है शायद उसे। और ऐसे वैसे दोस्त नहीं, कुत्ते दोस्त। फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ दंगल। इसे पहचाना है, एआईबी में है, मतलब था कमीने दोस्त, चढ़ाने वाले दोस्त होते हैं ऐसे। और ये भी मुझे याद आया, हमने भी कॉलेज में एक रात को तेरा बंटी तो तेरी चड्डी में सोएगा। आई लव यू वाले दोस्त। ये आई न्यू इन क्या है वो देख। ओह माय गॉड, एक फूल दस भवरे। हरामी हो तुम लोग, माँ भी यही बोलती है। मासूम दोस्त। ये इतना क्यों घबरा रहा है, पहली बार लड़की से बात कर रहे हो? आर यू ओके? दोस्त जिन में बहुत कीड़े होते हैं। और ये सर आपके लिए विद लव। जिनके साथ आप हंसते हैं रोते हैं पर जिंदगी जीना सीखते हैं। क्या हम ये लूजर का टैग हटाना चाहते हैं? क्या हम इस साल जीसी जीत सकते हैं? यस। चिंता करके क्या पाएगा, मरने से पहले मर जाएगा। सुनिए तब के सामने पैंट करना। स्पोर्ट्स डे होना जरूरी है मूवी। मैं लूजर होगा तेरा बाप। पर सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अच्छे वक्त में आपकी बजाते हैं और जब मुश्किल वक्त आता है। ओहो, बुढ़ापा भी दिखाया गया। छिछोरे आपके दरवाजे पर खड़े नजर आते हैं। कभी सोचा नहीं था यार अपना रियूनियन ऐसे होगा। कहानी तुमने शुरू की है, खत्म हम सब साथ में मिलके करेंगे। टेक्सा, मम्मी, एसेड, डेरेक, बेवड़ा, माया, एनी, सबके नाम आपको तो याद हो ही गए होंगे। ये रहा आखिरी साजिद नादियावाला प्रोड्यूसर। बड़ी स्मार्ट है तू कमो। शुक्र है चोट यहाँ लगी, यानी वरना भारी चोट हो जाती। नितेश तिवारी, 6 सितंबर को आ रही है। सुशांत सिंह मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर हैं और उनकी मूवी अभी आना ये बहुत ही अच्छी बात है। गाइस, ये बहुत अच्छी मूवी होने वाली है जैसा कि आपने ट्रेलर में भी देखा। सुशांत सिंह की एक्टिंग आपको पता ही है, बहुत उम्दा एक्टर है वो। और साथ ही साथ वरुण शर्मा, उनसे फनी अभी के वक्त में कोई भी नहीं। सारी मूवीज में वो फनी रोल कर ही रहे हैं। हर मूवी में वरुण शर्मा हीरो का दोस्त होता है जो कि उसे बहुत सपोर्ट करता है और फनी भी होता है। इसमें हीरोइन की एंट्री होती है जिसके घुंघराले बाल होते हैं और वो श्रद्धा कपूर, और उसके पीछे टिपिकल कॉलेज में जैसा होता है एक लड़की और 10 लड़के उसके पीछे, बिल्कुल ऐसा ही होता है क्योंकि रेशियो कम है तो बिल्कुल होना ही होना है, एक पूल पे 10 बवरे आएंगे ही आएंगे। जैसा कि 3 इडियट में हुआ, पहले वो कॉलेज लाइफ दिखाते हैं, उसके बाद जब 10 साल बाद की कहानी दिखाते हैं जब वो एडल्ट हो जाते हैं, और वैसा ही इस मूवी में भी दिखाया जा रहा है। ट्रेलर में जैसा आपने देखा पूरी कॉलेज लाइफ कवर की गई है,
फन मस्ती स्पीच सब कुछ वैसा ही है, और साथ ही उसके बाद वो एडल्ट लाइफ के बारे में भी दिखाते हैं जहाँ वो सारे मिल जाते हैं और पुरानी बातों को याद करते हैं। और मैं तो कहूँगा कि ये थ्री इडियट जैसा मिलता जुलता एक मूवी पैकेज है। तो इस मूवी के बारे में सस्पेंस बहुत जल्दी खुल जाएगा अपने आप ही। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो, ये रिएक्शन अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए, और अपने फीडबैक और सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बाय बाय।